विगत दिनों जनप्रतिनिधियों के दबाव में आपदा प्रबंधन समिति ने रात्रि 8 बजे नीमच शहर का व्यापार बंद करने का निर्णय लिया था। विरोध में सोमवार को दुकानदारों, व्यापारियों एवं कांग्रेस जनों ने शहर का मार्केट रात्रि 10 बजे तक खुलवाए जाने की मांग को लेकर जिलाधीश के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कई मांगों का भी जिक्र किया गया। बताया गया कि पिछले वर्ष से कोरोना महामारी की वजह से व्यापार व्यवसाय काफी प्रभावित हो रहा है, जिसके कारण व्यापारियों को आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ा। गर्मी का समय होने से व्यापार शाम 7 बजे ही चलेगा। ज्ञापन में यह भी जिक्र किया गया कि हम दुकानदारों और व्यापारियों द्वारा पूर्व में भी शासन के कोविड-19 के नियमों का पालन किया गया था और भविष्य में भी किया जाएगा, लेकिन दुकानें खोले जाने को रात्रि 8 बजे से निर्णय लिया गया है वह अनुचित है। रात्रि 10 बजे तक दुकानें बंद करवाई जाना चाहिए। जिस प्रकार आपदा प्रबंधन समिति द्वारा जो मनमाफिक निर्णय लिया गया है कि 8 बजे व्यापारी लोग अपनी दुकानें बंद करें, उसको लेके आज यहाँ सभी व्यापारियों में रोष है और वो माननीय कलेक्टर महोदय से और मध्य प्रदेश शासन से अनुरोध करने आए हैं कि 8 बजे जो दुकानें बंद करने का जो फरमान आपने जारी किया है उसको 10 बजे किया जाए। कारण क्या है, सभी छोटे व्यवसायी जो हैं वो कोई गन्ने की चरखी वाला, कोई दूध का ठेला लगाने वाला, कोई चाय का ठेला वाला, उनका धंधा रात्रि में चलता है और नीमच शहर जो है नौकरी पेशे वालों का शहर है। यहाँ जो वो कर्मचारी हैं शाम को 6-7 बजे अपने घर से निकलते हैं, तब जाके 8-8:30 बजे तक बाजार में कुछ खरीदी कर पाते हैं। अगर इस तरह का फरमान जारी रहेगा तो लोग भूखे मर जाएंगे। आज हम जो है लॉकडाउन की 1 साल पूरा होने जा रहा है और हम आज वापस इसी बात को लेके प्रशासन से मांग करने जा रहे हैं कि कम से कम ये जो निर्णय लिया 8 बजे दुकान बंद करने का, इसे तुरंत वापस लिया जाए और हमारी बात सुनी जाए। यदि आप लोगों की बात नहीं मानी जाती है, समय को नहीं बढ़ाएगा, फिर आप लोग क्या करेंगे? तो हम धरना देंगे और हमारी मांग रखेंगे। हम प्रशासन को पूरा सहयोग देंगे, प्रशासन जो बोलेगा हम वो करेंगे, पूरा सहयोग देंगे, कोविड कानून का पालन करेंगे और सभी ग्राहकों से ही बोलेंगे कि मास्क लगाकर आए और अपने बात रखेंगे हम लोग। आपका नाम? विमल शर्मा, व्यापारी संघ अध्यक्ष नीमच। जो निर्णय है प्रशासन का, हमारा बिजनेस 8 बजे बाद ही चलता है, 8 से 11 बजे तक का। कृपया प्रशासन से निवेदन है कि हमें 10 बजे 10:30 बजे तक ठेला लगाने की अनुमति दी जाए। धन्यवाद। राजू सैनी, शंकर कोल्ड, LIC चुराया। दुकानदार हूँ और एक गर्मी के मौसम में ही हमारा सीजन चलता है। इसके पहले जब लॉकडाउन चालू हुआ तो दिवाली से लगा के मार्च तक वैसे भी हमारे पास कोई बिजनेस नहीं रहता है ठंड के दिनों में, तो हम बंद रहे और 40,000 रुपये मैंने लाइट के भरे। इसके बाद मार्च में लॉकडाउन लग गया, उसके बाद फिर मैं वापस आप लोगों के पास, कलेक्टर साहब के पास भी गया, डिप्टी कलेक्टर के पास भेजा गया मेरे को, लेकिन उन्होंने कहा कि बिजली माफ़ होगी, वर्मा जी के पास जाओ। वर्मा जी के पास गए, उन्होंने कहा ऐसा कोई साधन नहीं है, हम आपको नहीं जानते, क्या आप 32 साल से हमसे जुड़े हो, हम जानते हैं, यदि माफ़ होगा तो सबसे पहले हम आपका माफ़ करेंगे। लेकिन हमें कोई भी तवज्जो नहीं दी गई और ना कोई पैसा माफ़ किया गया। इसके बावजूद अब ये फिर 8 बजे का तो जो निर्णय लिया गया है, ये किसके कहने से? बड़े बड़े व्यापारियों के कहने से, जिनका 8 बजे तक व्यापार बंद हो जाता है, 8 बजे बाद वो दुकानें बंद करके घर चले जाते हैं, उन लोगों से निर्णय लिया गया। कि निर्णय छोटे आदमियों से क्यों नहीं लिया गया, ताकि वो इसका निर्णय दे पाए कि ये ठीक है या नहीं है। आप बड़े लोगों को मीटिंग में बुला लेते हैं, छोटे लोगों से कोई निर्णय नहीं करते। छोटे लोगों पे क्या बीतती है आप लोगों को नहीं मालूम, क्योंकि आप मंडी में नहीं गए कभी। मंडी के ढेर के ऊपर 100 आदमी खड़े रहते हैं, एक एक उठाता है और एक के टक्कर मारता है जोर जोर से, और उसके बाद भी उनका लॉकडाउन नहीं है। बस के अंदर किराया बढ़ चुका है, लेकिन दूर दूर बिठाने की बात हुई है किराया बढ़ाने पे, आज ठूस ठूस के पर यात्री पर है, और उसके बाद भी लोगों का ध्यान उस ओर नहीं जाता है। प्रशासन क्या अंधा हो गया है? प्रशासन को पूरा ध्यान देना चाहिए। 10 बजे के 11 बजे तक मार्केट खुलना चाहिए। 10 बजे हम छोटे व्यापारी कहाँ जाएंगे? आप लोगों ने 10 बजे कर दिया, 8 बजे कर दिया। सुरेश शर्मा मेरा नाम है, आइसक्रीम पार्लर है, राजमंत्री टाकी।